कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है। और इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इनकम टैक्स की, ईडी की और अन्य इन्वेस्टिगेशंस के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। कुछ उदाहरण जो पब्लिक डोमेन में है, फ्यूचर गेमिंग ने 152 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, मेगा कंस्ट्रक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को 454 करोड़ रुपए दिए हैं, और ये तब है जब उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड के ऊपर इनकम टैक्स की, माफ कीजिएगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन चल रही है 2020 से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करीब 377 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इसी तरीके से कई सारी कंपनियों के नाम पब्लिक डोमेन में हैं जिनके ऊपर छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए दिए। मसलन हेटेरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स द्वारा 2019 के अंदर छापा पड़ा, कैश बरामद हुआ और इस कंपनी ने भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स छापा पड़ा दिसंबर 2023 में, जनवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। डॉक्टर रेड्डी के यहाँ इनकम टैक्स छापा पड़ा 2023 में नवंबर में, और उसी के कुछ दिनों बाद नवंबर में इन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा अगस्त 2023 में, और इसके बाद अक्टूबर में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों की बात एक जनरल बात है, मगर जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। और इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं पी शरद चंद्र रेड्डी और विंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, उनकी टाइमलाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 के अंदर एक्साइज पॉलिसी बनी, जनवरी 2022 के अंदर और विंदो फार्मा ने भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। जुलाई के अंदर अरविंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को मिले। जुलाई के 2022 के अंदर ये पॉलिसी वापस ले ली गई, नवंबर के अंदर पी शरदचंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। इसके बाद ये कई महीने तक जेल के अंदर रहे। 8 मई 2023 को इनको बेल मिल गई, 2 जून 2023 को ये अप्रूवर बन गए और 8 नवंबर 2023 को
इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए, 25 करोड़ अरविंदो फार्मा ने और दूसरे 25 करोड़ यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज, एपीएल हेल्थ केयर, जो दोनों ही होली ओन सब्सिडरीज हैं अरविंदो फार्मा की। और इसके बाद आपको ये बात मालूम ही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है, तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के अक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है। और इस सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों के माध्यम से दोबारा से इस सवाल को हम लोग पूछेंगे। इससे संबंधित आपके पास कोई सवाल है तो बताइए। इस मामले की पंकज जी जांच होनी चाहिए कि ये जो प्रमुख आरोपी थे, जो आज प्रमुख गवाह बन गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है कि, और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया गया है, यही सवाल है। कोर्ट में तो अरविंद केजरीवाल ने वही बताया, देख पाए गए कि कुछ चीज बताई ट्रायल कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने कहा कि हाँ हमने इस पर संज्ञान लिया है, तो उसकी अपनी कार्रवाई। अब देखिए आप पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, इसी माइक पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और आप इसी तरीके से सामने बैठे हुए थे और बात हुई राजकुमार आनंद जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज हैं, और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है ये सबको मालूम है, वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते, और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई, बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके आसपास जो लोग थे वो वही लोग थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो फोटो में वो वीडियो में दिख रहे थे, वो ट्विटर पे भी चल रहा था। मगर क्योंकि अगर वो सीधा ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो एक दो हफ्ते तक वो टीवी के अंदर अखबारों के अंदर इंटरव्यू कैसे देते, वो अरविंद केजरीवाल को गालियां कैसे दे पाते, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के हमारी वोट काटने की कोशिश कैसे करते। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रेंड है, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि साहब देखिए इनकी पार्टी से कोई इतना नाराज था इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ नाराज है, वो घर बैठेगा इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। तो जो नाराज था और जो घर बैठ रहा था वो सिर्फ चुनाव तक के लिए घर बैठा था, क्योंकि उनको बसपा से चुनाव लड़वाना था और उनको चुनाव लड़वाया और अब वो चुनाव लड़के हार गए, जमानत जब्त करा ली, अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। बाकी नेता
शावर या एक आपके पास शावर कुछ ऐसे मामला लग रहा है कि ऐसे जो मामला रहा होगा? अब देखिए, मैंने तो राजकुमार आनंद जी के विषय में भी कोई गलत बात नहीं कही थी, वे ही थोड़ा ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं करतार सिंह तंवर जी के बारे में भी कोई बुरी बात नहीं कहूंगा, हमारे कुलीग रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले तक हमारे कुलीग थे, मेरे आदरणीय साथी विधायक थे। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आर्म ट्विस्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं। हम सबको मालूम है 2016 में भाई करतार के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अनअकाउंटेड कैश वर्थ 130 करोड़ फाउंड, 130 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश पाया गया। ये मैंने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार के इनकम टैक्स ने कहा। अब जाहिर सी बात है वो तलवार जो है वो उसके ऊपर लटका के रखते हैं, उनके ऊपर भी वो तलवार लटकी हुई होगी। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी दबाव के चलते आदमी जो है वो कहता है कि यार कब तक जो है इनकम टैक्स वालों के चक्कर काटे जाए, कब तक जो है अपनी जूतियां घिसी जाए। पेंशन होती है आदमी के परिवार में, पूरी समस्या होती है, रोज रोज इनकम टैक्स बुलाता है। ये भी होता है कि आज इनकम टैक्स में है, ये मामला इनकम टैक्स ईडी में दे देंगे। बड़ा आसान है इनकम टैक्स ईडी में देना, काफी दोनों का मेलजोल रहता है। ईडी में दे देंगे तो फिर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे तो महीने अंदर रहना पड़ेगा। कौन जो है सामान्य आदमी जो है इस सबके अंदर चक्कर में पड़ेगा? घर में परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, क्या क्या है। तो आज देश की राजनीति जो है आज बहुत गंदी राजनीति कर दी है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो लोग कोई ना आवाज उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा उनकी आवाज। नीट का पेपर लीक हो गया, इसकी आवाज कौन उठाएगा? जनता बेचारी कहां उठाएगी आवाज? विपक्ष उठाएगा उसकी आवाज जो है संसद के अंदर, विपक्ष उठाएगा उसकी धरना देके आवाज। तो वो विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए कि जनता के मुद्दों की आवाज ही ना उठ पाए। बिहार के अंदर पुल पे पुल गिर रहे हैं, लोग नहीं चलाएंगे। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे चला के सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे कि भाई आपने कुछ नहीं किया। हाथरस के अंदर इतने सारे लोग मर गए, सरकार की जवाबदेही वहां की अपोजिशन पार्टी तय करेगी। अब उन अपोजिशन पार्टियों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनके विधायकों को तोड़ा जाए, बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, कि विपक्ष जो है बिल्कुल खत्म हो जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। पिछले कई सालों से कोशिश चल रही है, मगर 2024 के लोकसभा के चुनावों ने दिखा दिया कि अब इस कोशिश से काम बन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं मगर विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और आने वाले दिनों में विपक्ष और मजबूत होगा। इस तरीके की कोशिशें चलेंगी, हमारे कई विधायकों के ऊपर इस तरीके के मामले बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर कई विधायक जो है दबाव में आ जाते हैं। और हमें उनसे कोई, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे कोई द्वेष है इसको लेकर, हम उनकी मजबूरियां समझ सकते हैं। हमारा ये प्रक्रिया है कि ईडी का काम है बयानों को तोड़ बरोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे? तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं, ताकि कुछ लोग इसको अखबार में लिखें और ऐसा लगे कि जो सीबीआई कह रही है वो शायद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, और इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है।
वो राजनीति करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के हथियार बनती रहेंगे, यही बहुत बड़ी समस्या है। और कुछ सवाल?